साइड पे ग्रिड है और बाहर से हम लोग देख सकते हैं। ये बीके बीएल ना वो जो है, बस यही है इसके अंदर। बीएल बैटरी नाइफ स्विच है, वो देखे कौन देंगे कहाँ से, सिचुआ देंगे कहाँ से। ये हो गया रिवर्सर हैंडल, इधर करेंगे तो इधर जाएगा, इधर करेंगे तो इधर जाएगा। निकालना है तो बीच से निकाल देंगे, है ना। ये जब इधर से उधर जाता है तो हमको ये निकालना पड़ता है, उधर डालना पड़ता है न्यूट्रल में सर। हाँ, इसको न्यूट्रल करके निकालना। हाँ, नहीं तो निकलेगा ही नहीं। इसको निकालना है, इसको निकालने के लिए दबाना पड़ता है, उधर डालना है। इसको निकालना है, फिर डालना है तो पुश करके दबा करके ये तीन को खोल के वहाँ डाल देगा तो नीचे का कॉक को घुमा देगा, कॉन्फिगरेशन चेंज हो गया इसका। नीचे दो ठो कॉक है, उसको इधर क्लोज करना है, उधर ओपन। नीचे गिरा है तो नीचे नीचे ना खुला है, ये दोनों खुला है। अभी इसको बंद करेंगे तो ये दोनों काम करना बंद हो जाएगा। हाँ, बंद हो जाएगा। अभी ये हो गया लोड मीटर, यानी कि ट्रैकिंग लोड मीटर। ये बीसीडी का हो गया, ये ब्रेक पाइप हो गया, ये हेडलाइट का स्विच इसमें था, ये थ्रोटल इधर देंगे तो इधर मोटरिंग में आएगा, इधर करके इसको ऐसे घुमाएंगे तो ब्रेकिंग में जाएगा। तो घुमाना पड़ता है। हाँ, ये ब्रेकिंग हो गया, डायनेमिक लग गया सर। ये मोटरिंग हो गया जी, ये टोटल। हाँ, ये टोटल हो गया 1 से 8, 8 नॉच हो गया सर। हाँ, ये हो गया डायनेमिक ब्रेकिंग, हो गया सुविधा है। स्पीडोमीटर हो गया, स्पीडोमीटर ना यहाँ से फीडबैक आता है तो मालूम ही हो गया। पल्स मोटर से ये सर्किट ब्रेकर हो गया। और यह जो जो चीज हम लोग देखे थे, हर फ्रंट नगड़म पकड़म सैंडिंग मोल्डिंग क्विक रिलीज, सब एक ही है, सब एक ही है, कोई फर्क नहीं है। कंट्रोल स्टैंड हो गया, ये हो गया गवर्नर का कंट्रोल यूनिट, गवर्नर लगा हुआ वहाँ जी सर। फ्यूल ऑयल प्रेशर, लो ऑयल प्रेशर, फ्यूल ऑयल प्रेशर, बूस्टर एयर प्रेशर, कितना नोज टोटल 1 दिखा रहा सर। हाँ, अभी तो आइडल में है ना। अच्छा, 400 आरपीएम, 400 गोल्ड रैक, वो जो दबा के देखा था ना, काला निकलते जी सर, जी सर। वो हो गया ये LCP, यानी कि वो जो लोड करेंट पोटेंशियोमीटर, जो उसमें LR परसेंटेज बोलता है ना, उसमें जो रहता है, इसमें घड़ी का हिसाब से दिखाता है। 5:30 अभी 5:30 का है, ऐसे वो टाइम में दिखाता है इसका, 2:00, 1:30, 2:30, 3:30 ऐसे। ये मतलब टाइम सर, मतलब ज्यादा घड़ी का कांटा। तो सर इसमें कितना टाइम, जैसे LR 100% है, 5:30 मैक्सिमम। ये अभी ओके, इंजन एकदम पूरा फिट, घटेगा अभी। अब अगर घटा तो सर 5:30 है ना जी सर, टाइम उल्टा जाएगा तो मतलब क्या होगा, लॉस होगा। टाइम कभी उल्टा जाता है, लेकिन इसका तो उल्टा जाएगा, लॉस होगा, यानी कि गड़बड़ होगा, गाड़ी में गड़बड़ होगा। LR भी तो उल्टा जाता है ना, 5:40 उल्टा जाने ही तो गड़बड़ है जी सर। बराबर कैसे किया जाएगा? ये हो गया लो वाटर का, पानी का LWS लिखा हुआ है, LWS जैसे हम लोग वहाँ ग्लास में पानी देखे थे सर, उसका इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल है ये। येलो है तो ठीक, वहाँ से बैठे बैठे हरा पूरा पानी है, येलो आधा पानी है, लाल पानी नहीं है, नहीं ऐसा है। ये हो गया, ये पंखा हो गया, ये बत्ती हो गया, ये जी कैब लाइट सर, ये सब जो लगा हुआ है तो इसका कोई काम नहीं है, इसका काम जल्दी नहीं कर। ये तो कैब हीटर है, ठंडा में हीटर। अब इतना दिन ठंडा में तो बाहर से करके काम किया ना, अब हीटर में काम करेगा। सारा सर्किट ब्रेकर, लाइटिंग का,
डूम लाइट का, ये इसको डूम लाइट बोलता है, डूम लाइट, डूम लाइट ना, हेड लाइट का, हेड लाइट, अच्छा, डस्ट एग्जस्टर ब्रेकर, तो जो साइक्लोनिक है ना, जी जी जी, मोटर को हम बंद करेंगे तो मोटर बंद हो जाएगा, दोनों साइड मोटर, वहाँ हवा नहीं है, हाँ, आप लगाना से नहीं पता, क्रैंकेज मोटर है, अभी यहाँ देखा है ना क्रैंकेज मोटर, जी जी जी, सर सामने जो था, रेडिएटर के जगह काम करने वाला, जी सर, देखा, रेडिएटर फैन का सर्किट ब्रेकर, ये सब सब ऑफ रहता है गर्मी के दिन में, यदि हॉट इंजन का प्रॉब्लम आएगा तो ड्राइवर इसको ऑन करके रखता है, तो अभी फैन घूम गया, ये जो ऑफ हो गया, ऐसे बंद ही रहता है, हाँ ये बंद रहता है, संडा का दिन ऑयल पंप मोटर, माइक्रो प्रोसेसर सर्किट ब्रेकर, उसे कंप्यूटर का सर्किट ब्रेकर बोलता आ रहा है, इसमें ये है ऑक्सिलरी जनरेटर का फील्ड ब्रेकर, ऑक्सिलरी जनरेटर का यदि कोई दिक्कत होगा तो ट्रिप हो जाएगा, ट्रिप हो जाने से यहाँ बाजा बजेगा, वहाँ मैसेज आएगा, यहाँ बत्ती जलेगा, बहुत इंडिकेशन मिलेगा, जैसे ये हो गया और ये जो सुइया है इधर भागेगा तो लाल की तरफ रेड जो चलेगा, इधर लाल बत्ती जल गया, वहाँ मैसेज आ गया, अब ये बाजा बजेगा, हो सकता है अगले का भीतर में आ सकता है, अगले भीतर में होगा, सर ये वाला क्या है पी एल पी प्री लुब्रिकेशन, अच्छा सर, ना पी एल पी मोटर, ये जैसे कोई भी प्रॉब्लम होगा तो बत्ती चलेगा, कंप्यूटर तरह क्रैंकेज का सर्किट बेकार, फेल कर जाएगा क्रैंकेज, अब यहाँ है कि नहीं क्रैंकेज, नहीं है, पावर ग्राउंड का है, व्हाट इंजन, हाँ चल रहा है, हाँ चल रहा है, लाल पे दिखाई, ये सब सिम्टम्स बताता है बहुत कुछ लोगों में, ऑफ किए थे ये लाल की तरफ आया था, ऑन किए और हरा में चला गया, ये डिस्प्ले यूनिट बोलता है, कंप्यूटर नहीं है ये डिस्प्ले यूनिट, ये हो गया ECS माने इंजन कंट्रोल स्विच है, ये आइडल में है तो स्टार्ट और बंद करने के लिए, और हम यदि इसको रन में नहीं देंगे तो गाड़ी नहीं चलेगा, यदि हम रन में देके स्टार्ट करेंगे तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा, आइसोलेशन से हाँ ये वाला आइसोलेट हो गया गाड़ी, हमेशा आइसोलेट आइसोलेशन से चलता है, ये हो गया स्टार्ट करने का, इसका काम नहीं है, ये हो गया बंद करने का स्विच, बस हाँ लिखा है इंजन स्टॉप, सर आइडल में इसको कब रखेंगे, स्टार्ट करने से पहले, शटडाउन करने के पहले, और यदि गाड़ी कहीं कोई जगह पर ज्यादा समय के लिए खड़ा रहेगा तो हाँ रन करेगा तभी चलेगा, इसमें ऐसा कोई खासियत नहीं है, मेमोरी कार्ड, ये जो पैनल है ना ये पैनल लॉक एंड की रहता है, चाबी सेट के पास रहता है, जैसे नाबा सौ की गाड़ी है तो उसके पास चाबी है, क्या सर पैनल लॉक एंड की, हाँ सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये चीज तो इसलिए दिखाए हैं, ये पैनल में देखो बत्ती जल रहा है, और ये भी देखो कि ये ऊपर में ऑरेंज कलर का जो बत्ती का डिजाइन है हरा वाला का भी सेम डिजाइन है, जी सर, जी सर, एक बत्ती का भी फर्क नहीं है, सेम टू सेम, ऐसा 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 जला है तो वो नीचे वाला भी वैसा ही जला है, एकदम सेम है, तो ये बत्ती का जलाई में यदि कोई प्रॉब्लम आ गया, यानी कि ऑरेंज से हरा में बत्ती कम या ज्यादा जल रहा हो तो लोगों को प्रॉब्लम हो, क्या इसको क्या बोला जाता है, ये तो कार्ड है, कार्ड है, और हमें जलने लगेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना सर, लोगों में प्रॉब्लम है, लाइट अल्टरनेट नहीं होना चाहिए, दोनों में सेम सेम जगह लाइट चलना चाहिए, अभी ये जो जिस कार्ड जल रहा है हरा कहाँ जल रहा है, बंद है ये हरा कहाँ जल रहा है, सर में जलना है, इस कार्ड में प्रॉब्लम आया, ये देखो ये कार्ड में नंबर लिखा है, कौन कार्ड में सर प्रॉब्लम, हाँ नंबर लिखा हुआ है सर, 6142 6131 जैसे कि ये बत्ती
में सर। और ये बत्ती एक ही है जी, इसका नंबर हो गया 6142। अभी मान लो कि ये बत्ती और ये बत्ती में प्रॉब्लम आया, या ये बत्ती में प्रॉब्लम आया, तो लोगों में प्रॉब्लम आएगा तो उस टाइम में तो सेठ से बोलेगा कि आप पैनल में देखिए बत्ती कैसे जल रहा है, तो हमको तो बत्ती देखना है। उस टाइम में हमने सिखाया हुआ चीज़ को माइंड में ले आना पड़ेगा कि ये बत्ती के बारे में ऐसे बताया था। अब देखना है कि ये बत्ती और ये बत्ती में मेल नहीं है, तो उसको बोलना होगा कि 6142 नंबर कार्ड में बत्ती में गड़बड़ है, तो वो समझ जाएगा कि क्या दिक्कत है। ये है खाली बोलने के लिए, करने के लिए नहीं, करने के लिए चाबी का है, चाबी तो हम लोग पास नहीं है। ये है, इसमें ऐसा कोई खास चीज नहीं है, बस दिखाने के लिए है, मकड़ा का जाल हो गया, कोई गाड़ी नहीं देख रहा है। मेमोरी कार्ड कोई खास चीज नहीं है, खाली दिखा दिया है। ये एनालॉग डिजिटल है, जरूरत नहीं है, ऊपर में रिले भरा हुआ बस। हाँ, यदि कोई रिले में आग लग गया है, धुआं निकल गया, गंद आ गया है, तो दूसरी बात है, तो दिखाई देख के बोल सकते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, सेट सेट पूरा ये छोड़ के कुछ। और वो साइड में जो ब्लैक वाला है फिर वो क्या है? ये मेमोरी फ्रीज ही है। कैसा मेमोरी फ्रीज? फिर यही कुछ अगर होता है मेमोरी फ्रीज, इवेंट रिकॉर्डर नहीं है, इवेंट रिकॉर्डर नहीं है, ये मेमोरी फ्रीज है। इसमें एक सिस्टम है लोगों में कि ब्रेकिंग सिस्टम का, यदि सब कुछ ठीक होने के बाद में भी यदि ब्रेक प्रॉब्लम आ गया हो, ऐसे आता नहीं है, तो ये मेमोरी को हम तोड़ के इस स्विच को ऑफ कर सकते हैं। के लिए दिया बिजली तो हमको स्पीडोमीटर के बारे में जानना है, स्पीडोमीटर स्पीडोमीटर का मेमोरी फ्रीज
हो गया एक तरह से। लोड टेस्ट नहीं हुआ, आरपीएम टेस्ट हुआ। तो आइडल में करना सेफ्टी है, आइडल इधर में ब्रेकिंग है, ये रिवर्सर हैंडल हो गया। अच्छा। उधर में डाला हुआ है सर, इसमें ए नाइन नहीं होता है जी। अच्छा, ए नाइन, ये हो गया एस ए नाइन, ये हो गया ए नाइन, ये है सामग्री। अच्छा, बाद में हो गया ये यहाँ पर कॉक है, उधर में भी कॉक है, देखो ऐसे नीचे। जी सर, कौन सा कॉक है सर? ये कॉक का नाम है डायरेक्शन चेंजिंग कॉक। डायरेक्शन चेंजिंग, कंट्रोल स्टेशन चेंजिंग बोलता नहीं है जीएम में। हाँ, इसमें डायरेक्शन चेंज एक ही बात है, ये डायरेक्शन है, हम इधर डायरेक्शन में जाएंगे, तो डायरेक्शन चेंजिंग नहीं हुआ। जी जी, तो ये जो कॉक है इसमें एक चीज को ध्यान देना है कि अभी ये कंट्रोल स्टैंड वर्किंग नहीं है, इसलिए दोनों कॉक अभी बंद है। उधर का कॉक देखो खुला है सीधा। हाँ, खड़ा है तो खुला है। अच्छा, सामने होगा मतलब सर, वो नीचे है ना, वो खुला हुआ है, हैंडल ऐसे है ना। अरे पाइप के सामने सामने एकदम सीधा रहेगा तो खुला हुआ, उसके खुला रहेगा, खुला है तो बंद है। अभी ये कॉक जब भी गाड़ी कभी कंट्रोल स्टैंड यानी कि दिशा बदलता है, उस टाइम में इसके ऊपर में ध्यान देना होगा, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। अभी इधर का कॉक बंद है, उधर का खुला है, गाड़ी ड्राइवर इधर से गाड़ी चलाया और ब्रेक लगा नहीं गया तो ब्रेक नहीं लगेगा, क्योंकि कॉक तो बंद है ना। इसलिए ये चीज को ध्यान देना, विशेष करके लाइट इंजन में डर होता है। ऐसे लोड में तो वो क्या टेस्ट बोलता है, गार्ड ड्राइवर और गार्ड के बीच में जो टेस्ट करना है, कंटिन्यूटी टेस्ट जब करता है तो उस टाइम पे तो पता चल जाता है। लेकिन अभी देखो वो गेज बंद है ना, तब भी हमको प्रेशर 3.5 kg दिखा रहा है। ऐसे यदि गेज में नहीं दिखाता तो होता, तो इसमें क्या होगा, ये जब दिशा परिवर्तन करके लोगों चलेगा तो इसके ऊपर में ध्यान देना, ये बहुत सेफ्टी चीज है। ये हॉर्न का स्विच हो गया दोनों, उधर में भी है, ये हो गया बालू का लिखा है सेंट, ये हो गया ओवर चार्जिंग यानी कि जल्दी जल्दी ब्रेक पाइप प्रेशर चार्ज करने के लिए, ये फासर लाइट का स्विच हो गया, ये आप सेंट लिखा है, इसके बाद में ये क्लासिफिकेशन का स्विच दिया हुआ, जैसे उधर में लाल बत्ती जल रहा था ना, देखा था लाल बत्ती, वो सब जलाने बुताने के लिए यहाँ दिया हुआ, यही है सिंपल। ये सब क्या है सर? इधर ना वाइपर अरे ये वाइपर सामने सर्वो स्टैंड है, पैरा स्टैंड, ये ना, ये क्विक रिलीज, ये देखो खटखट कर रहा है। अच्छा, बेल रिंग ऑफ जो होता है सर, वही उसमें होता है, इसमें पैर में है, उसमें हाथ में, जैसे ना ये ना इसमें हाथ में है, इसमें पैर में है, ये सर रिलीज, हाँ ये मैग्नेट वाल्व रिलीज। अच्छा, नीचे रेस, नीचे रेस, रेस नीचे का रिलीज खाली, ये जो ओवर चार्जिंग लिखा है ना, इसको रिलीज करने के लिए नीचे वाला, और ये जब ओवर चार्जिंग करते हैं तो ब्रेक को, जैसे यहाँ इसमें जो है ना ओवर चार्जिंग है जी, इसको रिलीज करना है तो उस स्विच का काम, 5 मिनट हो गया। ओवर चार्जिंग का मतलब क्या है समझा? ओवर चार्जिंग का मतलब हुआ कि ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी में ब्रेक पर प्रेशर देरी से बनता है, तो हमको जल्दी जल्दी ब्रेक पाइप प्रेशर बनाना है, नहीं तो क्या होगा, गाड़ी थी चलेगा नहीं, चलेगा लोड में लगा हुआ ब्रेक है। तो जीएम में तो जब हैंडल को अपने तरफ खींच के रखेंगे पूरा, तो क्या पोजीशन आता है उसका, किसका सर? ये नहीं का, हाँ फुल रिलीज होगा, नीचे रिलीज होगा, रन होगा, उसके बाद रिलीज में कितना होता है? 5.7 गाड़ी का, तो 5.2 चाहिए, तो 5.7 क्यों,
सर क्यूब बनने के लिए, जल्दी बनने के लिए क्विक रिलीज, क्विक रिलीज टाल के हमको छोड़ देना है। तो यहाँ पर वैसा नहीं है, इसलिए क्या बना दिया ये ओवर चार्जिंग से हम कर सकते हैं। ये ट्रेन के लिए और लोगों के लिए ये है फायर में, और लोगों के लिए करने से क्या होगा सर, जल्दी क्विक बेला जैसा क्या होता है सर, उसमें प्रेशर क्या जल्दी बन जाता है, जल्दी रिलीज होता है, रिलीज होता है, ब्रेक का जो शू है छोड़ देगा गाड़ी रिलीज कर पाए सर। रिलीज करने का मतलब ब्रेक नहीं लगेगा, ब्रेक जल्दी फ्री हो गया, फ्री हो गया, ऐसे ब्रेक लगाया ना रिलीज किया तो वो अपने मन मर्जी सीधा आस्ते ऐसे जाएगा। तो हमको जल्दी करना है, इसको दबा देंगे, इसको दबा देंगे तो चार से छोड़ेगा, ठीक है। तो कंट्रोल स्टैंड और ये कंट्रोल स्टैंड है ना, हम लोग दोनों देखिए तो दोनों में सामग्री एक ही है, जो नया आया उसको भी अभी सुविधा होगा। तो यहाँ से एयर फ्लो, ये क्या था एमआर ब्रेक सिलेंडर, सी बीपी, बीपी नहीं है, एफपी और बीपी तो यहाँ है, ये क्या है ट्रैक्शन रिपोर्ट है क्या सर, ये बीसी हो गया ब्रेक सिलेंडर, उधर है ये होगा एयर फ्लो इंडिकेटर सर, ये भाई ये एयर फ्लो ईआर है क्या सर, एमआर है ईआर, इसमें जो इसमें हम वो भी कंट्रोल स्टैंड देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं, दोनों का फंक्शन एक ही है। अभी स्टार्ट हो रहा है, अभी ड्राइवर इधर से चलाता है तो कभी उधर से चलाता है जी सर, अभी डीएडी इधर बैठ के देखता है तो कभी इधर बैठ के देखता है जी सर, लॉन्ग रूट होगा, हाँ ये लॉन्ग हो गया, ये सब हाँ ये सब बंद नहीं करा, तो ये सब गेज है जी सर, यहाँ लिखा है ये एयर फ्लो हो गया, ये क्या हो गया, ये एमआर हो गया, ये ब्रेक सिलेंडर हो गया जी सर, ये काम नहीं करता है, ये लोड मीटर हो गया यानी ट्रैकिंग लोड मीटर, ये पिट पाइप ब्रेक पाइप हो गया, ये हेडलाइट का स्विच हो गया, इधर का जलाना है तो इधर घुमाएगा, इधर का जलाना है तो इधर घुमाएगा, ये हो गया वीसीडी का रिसेट का स्विच, ये बत्ती हो गया, ये इंडिकेशन पैनल है, ये स्पीडो मीटर हो गया, यहाँ कहाँ से आता है करेंट फीडबैक, पल्स जनरेटर, ट्रेन गियर बताया है ना, ट्रेन गियर
एक मेन गियर के साथ इंजन का अंदर में बहुत सारे गियर लगा है। अच्छा अच्छा, इसमें क्या बोलता है, ट्रेन गियर बोलता है। हाँ हाँ, जो ड्यूबल पंप घुमाना है, वाटर पंप घुमाना है, ये सारे गियर, पिस्टन कूलिंग पंप, वैसा ही इसमें भी ये मेन अल्टरनेटर का जो गियर है इसके ऊपर में एक्साइटर का गियर है, इसके ऊपर में ऑक्सिलरी का गियर है, इसके ऊपर में फ्रंट ट्रक ट्रैक्शन मोटर का गियर है। माने ये मेन के साथ में ये बाकी गियर भी लगा है, लगा हुआ है। अभी ये सारे गियर को लुब्रिकेट करने के लिए ये तेल दिया जाता है। ये तेल का कमी हो जाएगा तो ये सारे गियर टूट जाए, गाड़ी नहीं चलेगा। और इसके बीच में और एक ठो गियर रहता है जिसका नाम है आइडलर गियर। आइडलर गियरों के बीच में रहता है, आइडलर गियर, वो किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, वो अकेले है। उसका काम क्या है, आइडलर गियर का काम है जो गाड़ी स्टार्ट जब होता है तो आइडलर गियर खुलता है। अभी इसमें तेल का भरा हुआ इतना होगा जिसमें कि ये आइडलर गियर उसमें डूबा हुआ रहता। अब ये गियर तो ऊपर है तो हमको तो तेल यहाँ तक भरना चाहिए ना, तो इतना भरने से तो तेल गिर जाएगा। अभी ये जो आइडलर गियर का काम है कि तेल को छिटकना, खाली उसका काम है छिटकते रहना। हाँ, जो जीएम में तेल दिया है ये छिटकते रहता है और बाकी सब गियर को तेल अवेलेबल अवेलेबल करता है, इसीलिए उसको दिया आइडलर गियर बोलता है। आइडलर गियर, आइडलर गियर, आइडलर गियर, आइडलर गियर। एक बार पूरा ये मालदा एल्को लोको जो पहले चलता था, बीमार है कल्ला वाला पक्ष। रोड गेज डीजल मल्टीपर्पज, वाइड गेज डीजल मल्टी, तीन माने 3,100 हॉर्स पावर, 3,100 ये मतलब 3100 हॉर्स पावर का गाड़ी है। और एक इंजन होता है जो कि खाली शंटिंग करता है यार्ड में, वो 1200 हॉर्स पावर का, इतना टाइप का इंजन डिपिस्टिक गेट रहता है, इससे हम लोग मोबाइल को बालू के लिए सिलेंडर है, 3.5 प्रेशर रहता है, वो सब भीतर में लगा हुआ है। प्रेशर रहता है, ये हो गया सैंड बॉक्स जिसमें बालू को व्हील में गिराया जाता है, तेल भरने का, ये हो गया MR2 टैंक, तेल देखने का दोनों साइड गैज है, दोनों साइड, ये और एक MR हो गया, MR2 हो गया सर, MR2 हो गया, MR1 सर क्यों है, उस साइड MR1 इस साइड MR2। अच्छा, कोई खास चीज नहीं है, डस्टबिन को अब एक डस्टबिन को
बैटरी की संख्या लेड एसिड बैटरी का लेड एसिड बैटरी है, इसमें मैंने टोटल 8 बैटरी लगाए हैं, जबकि कौन है इक्वलाइजिंग बीम सर, ये नीचे वाला है सर, इक्वलाइजिंग बीम हुआ ये वाला, ये धनुष के जैसा जो है, धनुष जैसा इक्वलाइजिंग बीम हो गया चाहिए। इसके बाद आ गया इक्वलाइजिंग, यहाँ पर एक तो देखो जनरेटर लगा हुआ है, ये जो नीचे में वो जो कनेक्शन गया है सर, अच्छा अच्छा, इसको बोलता है पल्स जनरेटर, पल्स जनरेटर, पल्स जनरेटर, पल्स पल्स, ये पल्स जनरेटर है, पल्स जनरेटर का काम हुआ, ये तो व्हील में लगा हुआ सर, यही ना है स्पीडोमीटर, पल्स जनरेटर स्पीड का सेंस सप्लाई करता है, सेंसर नहीं है ये, फ्रीक्वेंसी सप्लाई करता है, सेंसर का कैसा काम करता है, सेंसर हम लोग नहीं बोल सकते, ये क्योंकि जनरेटर है, ये एसी है, ये फ्रीक्वेंसी निकालता है, और वो फ्रीक्वेंसी को जब वो स्पीडोमीटर में भेजता है, वो हम लोग को स्पीड के रूप में दिखाता है, ये हो गया पल्स, तो इसमें वो रेडर उडर नहीं रहता है, ये सबसे काम करता है, यहाँ ऊपर दिखाए ना, वो तो ग्रिड ऊपर में लगा हुआ है, ग्रिड लगा हुआ है ऊपर का दरवाजा, ये तो है
दबाओ दबाओ, ज्यादा फ्यूल हो गया इसलिए काला हो गया। फ्यूल इंजेक्शन कौन बोलता है? फ्यूल इंजेक्शन इसका पानी ठंडा कर दिया। ये हो गया डस्ट कवर मोटर। डस्ट कवर मोटर इधर में एक है उधर में एक दो डस्ट ब्लोअर मोटर। डस्ट ब्लोअर मोटर दो दो इधर में एक है इधर में उधर में एक है। ये हवा फेंक रहा है लेकिन थोड़ा थोड़ा फेंक रही है ना प्रेशर आ रहा है। डस्ट ब्लोअर मोटर ये दो यहाँ मिल गया। ये हो गया रेडिएटर कोर। ये जहाँ पर है उसी जगह में घर में है और एक डस्ट ब्लोअर मोटर इसी के अपोजिट में एक और है। इसी के अपोजिट ये तो साइक्लोनिक फिल्टर लगा है। ये साइक्लोनिक फिल्टर इसका डस्ट को फेंकने के लिए है। ये जो पाइप ले आया है वहाँ से वो फेंकेगा। और एमआरआई कुलाइजर का पाइप इधर लगा हुआ है। ये जो पूरा सेट है ना इसको क्या बोलता है? ये जो पूरा सेट है दरवाजे में छिटकिनी लगा है कब्जा लगा है लेकिन वो सारे चीज को लेके हम लोग क्या बोलते हैं दरवाजा दरवाजा वैसा ही इसमें बफर लगा है कपलिंग लगा है फिट पाइप लगा है ब्रेक पाइप लगा है बहुत कुछ लगा है लेकिन ये पूरे जो चीज है इसको क्या बोलता है? हेड स्टॉक। ये जब भी कहीं कोई धक्का लगेगा जैसे सांड लड़ता है ना इससे लड़ता है हेड से लड़ता है तो ये भी उसी से लड़ता है तो इसीलिए ये है हेड स्टॉक। हेड हो गया सीर हो गया स्टॉक स्टॉक में जो भी लगा हुआ है सामान तो ये सारा चीज है हेड स्टॉक में। और ये ऊपर में देखो एक एमयू का बक्सा लगा है हाँ उसको ढकला उठाओ हाँ। जब जोड़ा गाड़ी चलता है ना जब दो इंजन को लेके जाएंगे हाँ एक ड्राइवर दो इंजन को चलाना है उस समय में वो जो इलेक्ट्रिकल का सिस्टम उसमें जब लगा देगा और मैकेनिकल का पाइप सिस्टम लगा देगा तो आगे वाले ड्राइवर जैसे ऑपरेशन करेगा उसको ऐसे ही मिल जाएगा। इसीलिए वो मल्टी यूनिट रिसेप्टिकल बोलता है उसको मल्टी यूनिट एमयू रिसेप्टिकल मल्टी यूनिट रिसेप्टिकल। अच्छा तीसरा हो गया कोई एक चढ़ेगा ऊपर पहले वो पानी देखने का ढक्कन को खोल के सबको दिखाएगा वो पानी का देखने का जगह है ऊपर है जी ऊपर है जी हेड लाइट का बगल में लिखा है ना जी सर। पानी देखना है अपने भी देखो पानी देखता है कि नहीं वो चढ़ने का है वहाँ देखता है पानी फुल है पानी फुल है हाँ सब बारी बारी से ये भीतर में रेडिएटर फैन है नहीं और लूब ऑयल कूलर है।